कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, महाप्रभु सिंह द्वाररु अरुण स्तंभ निकटरु पतित पावन पार्श्वरु भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। मध्याह्न समय भक्त अनुभूति कार्यक्रम आपर अपेक्षार अंत घटी। आपण मैंने मध्याह्न समय भक्त अनुभूति कार्यक्रम देखापी सदा बेल प्रस्तुत हो रही था। ये अधम भजराम सतपथी स्वागत करुच्छे आपण मानक जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम। जय जगन्नाथ टीवी की भल पात सीधा टीवी चतुर्थतम नेटवर्क जय जगन्नाथ टीवी अति आदर सहकार देखु और निजे देखा सहित अड़ोशी पड़ोशी ज्ञाती कुटुंब परिवारजन एका संगे बस जगन्नाथ को दर्शन कर कृपा प्राप्ति हूँ। तेब विलंब करवानी आसतु स्वागत करवा आम गहन में जड़े भक्त अच्छा जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत ना कहे कौट आ कैमेरा ना कह नवकिशोर साहू घर कुशचंद्रपुर बारंग तुसुलिया बजार को महाप्रभु को दर्शन कर आगुरी के आगुरी आसती करोना बेले दी वर्ष ते तब आसिक दर्शन कर फेरीगली तापर पुओ हजिगला सी खोजिक फिर ठाकुर डाक फिर पाली है आपर मोर तो गोटे अनुभूति अच्छे कहती मैंने अनुभूति कौन मुझे आसी आम अफिश की फिस्ट कर आसमें बाली धरूँ आसला भितर से रही 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 सब पाँचटा बाजला छःटा बाजला छःटा बाजला भितर आम गलु आसलु आस बार जो लोक था कह भाई आज रुह आम ट्रेन में पलवा तु तुसुला जीव मु बारंग बजार जी या कहीं गला आस साढ़े एगार गाड़ी लगेगा साढ़े एगार से सताशी मसीहा आच्छा आम बारंग थाना नाला फांडी था से जो आ जो पोल होता से पोल भारी मान भय लगुला आम से धुमधुम मारवाड़ी बाटर आसी आसी पोल पाखे मत भय नीमी जगन्नाथ को भोग धरती तपर या कोई चिंता कर पचर मैंने धरा लुगा नाली लुगा पिंधिक चंदन मारिक आठ दसटा टोका मैंने नंडा हो मो पचर चलने बोले ये कौन मुझे देख ली पुओ थाए पु किसी कहले गर्जन सब बंद उठीगली तापर जगन्नाथ कह से हरण होगले तपर घर को आसली आसला जन पिला धरा होता छोटुआ मो पु पांच वर्ष जाइली तुसुला छक जन मदुआ कल सब कौट छुआ नहीं बिक्री कौन कुआंटू गोड़ी मत बाड़िया बोले मो घर लोक कृष्णदेव मो ना नवकिशोर साहू मुझे जाइली पूरी तपर अभी आसली आस पु कह मु भल लोक आोग नुए खा भोग खाई से घर को आसली बढ़िया अनुभूति हाँ आमर जो चालाण दी आम सीताराम बाबू आम जो अमिता मैडम ये हूँ मानव नुहति ये हूँ स्वर्गर देवता इंद्रदुम्न राजा जो पूरी मंदिर तैयारी करते गुंडिका राणी आ स्थापना करते ये से ये जो कम कर मत्य मानने ये हूँ आम गुंडिका राणी आए हूँ इंद्रदुम्न राजा ये हिसाब से कहवा कथा कह दर्शक बंधु आपण मैंने एक शुणुंटे भक्तंर हृदय कथा कारण एटी दामी अदामी शिक्षित अशिक्षित यार किसी भेदाभेद ना भक्त मैंने निजस्व अनुभूति कथा जहाँ अनुभव कर मनरे जहाँ भावना आसूसी से व्यक्त करें मन मन भावे ना ये कौन मानने सीताराम अग्रवाल नमिता अग्रवाल को इंद्रदुम्न आंडीचाराणी बोली कौन कहले कथा ये ना आपण मैंने शुणुंटे भक्तंर निजस्व कथा मन भितर सेमती किसी ना जड़े साधारण मनीष आपण मानक से आपण को अति भल पाता मनीष जी कि जगन्नाथ प्रेमी जन तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आप जय जगन्नाथ टीवी देखते हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सकाल आठटू खोल पूरा पाँचटा पर बंद करपर झाड़ा चा खाई पुणी खोल रात बारटा जाके सब जगन्नाथ छाड़ा मुझे घर को जाए घर खाए शुए सतकता कौन तो खाई शो न कौन पड़े संक्रांति प्रभु को दर्शन कर बड़ प्रभु से ठाकुर ठाकुर को पूजा नक पड़ जाइए मुझे ठाकुर बड़ ठाकुर दर्शन कर तुम खाओ समस्त खाली पा फूल देखिए आई दिह को आज किए पूजा कर कौन कर ठाकुर सेमती कमी हम सका उठी गाध गाधर फूल गोटा दे मुंडिया मारिक आस जो चंदन चंदन गला कथा काटिकी तो पूजा होती कौन पा तो पाई कौन ठाकुर के पाया रखे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ गोटे पुस्तक जय जगन्नाथ हाउ महाप्रभु जय 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 जगन्नाथ।
तेज दर्शक बंधु आम गहन में आउ जे भक्त अच्छा आसतु स्वागत करवा जुवपीढ़ीर भक्त से एकुटिया जय जगन्नाथ ना कहे कौट आ मो ना श्रीशचंद्र धल डाक ना मुना मु आठगड़ आठगड़ धल सामंत हाँ श्रीशचंद्र धल पुणी मन पड़ जाए से नटवर धल कथा जा हाउ महाप्रभु को दर्शन करने को जाऊँगी आप आगुरी के दर्शन करने को आ बहुत थर ये गोटे मोर मानने जगन्नाथ अनुभूति जगन्नाथ भाई संसार रे कहीं ना निज बापा माँ को बोलिकी जगन्नाथ मो पा छुआ संसार बोलिकी जगन्नाथ जे मन कथा जी बुझे विश्वास करें आपड़ मुझे सदा बेले जय जगन्नाथ चैनल देखे सदा बेले पूरी आसे मन मन भावे के गोटे टी चेल कह मत सुजोग मिल के जय जगन्नाथ चैनल जय जगन्नाथ बोली कहवाई आज एकादशी रे संक्रांति रे मो भाग्य ये जगन्नाथ महिमा मो आखिर लुह बो जाऊँ मुझे विश्वास कर पार नी सिंह द्वार सामने प्रभु मत डाकबे ना दीपद कहना दीपद कह व्यग्र कहीं कारण कौन कहले कौन मिल अधघंटे दस पांच मिनिट आप आसवे अनुभूति कहे आपणकर अनुभव कथा कौन अच्छी आप भावर ठाकुर जीता मनरु भल पाइन सी भाव बुझे मु बहुत मन भाव ता भाया कहीं ना भाव जहाँ भाभी सी तुम्हें जहाँ भाभी थो सी देदेव तुम आप भाई महाप्रभु दे बहुत 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 उदाहरण बहुत विपदर बचाई जिते बड़े खाया को ना जिते मो पा खाया को ना मत सी केमी चल आज मुझे कौटी सब तारी पाई तार जो साज मु पदार गईपर जी सी मत कर गोटे पदर संपूर्ण इतिहास एत बड़ पुस्तक को से गोटे पदरे ही सारदे जमी एक श्लोकी भागवत अठर हजार श्लोकर सारांश निर्जास एक श्लोकी भागवत मिले सेमती से गोटे पदर एमती सारदे आपतर हृदयंगम करते दिन खाइबा को ना आज मत कौटि पहुँचे तेनालीर आप अनुमान कर भगवान केमी क्या कौट बहुत बहुत धन्यवाद तेब आप जय जगन्नाथ टीवी देख निश्चिंत 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 सबुदिन देखे आगे सबुदिन सबुदिन जय जगन्नाथ टीवी देखते अगणित जगन्नाथ प्रेमी मान को आपन कौन वार्ता देवा चाहिए तुम्हें जहा कर जिते पाप कर थे मन भितर कालिया सांत गुड़ाक से तुम सब पाप दूरे नब सब समस्या भी समाधान करदेव इतनी मोर जुवपीढ़ी मांग निर्बोध अनुरोध यह कथाटे कहले वृद्ध पीढ़ी मैने बुझीगले वृद्ध बयस है तोहरी निश्चय भेटबू दिने समनपुरी बुझीगले पान को आम मानक बुझेवा कर केवल जुवपीढ़ी से एपटे आपटे ये मझी मझिया रही तेणु से जुवपीढ़ी गोटे सुंदर संदेश दे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ पर तरफ गोटे पुस्तक धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तेब दर्शक बंधु आम गहन में आउ जे भक्त अच्छा आसतु स्वागत करवा जय जगन्नाथ टीवी रे भक्त मानक स्वतंत्र अधिकार माँ जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत ना कहे कौट आ कहे कहीं कटक त्रिशूल आई पूरी जगन्नाथ पाख आ कटक त्रिशूल आसे कौन है हाँ हाँ भल कर कटक त्रिशूल नुआ ब्रिजटा ना बढ़िया ब्रिजटे लंबाटा नहीं जावासिया कर अच्छा माँ ना कौन गीतांजलि साहू बढ़िया ना टे गीता तम अंजलि गीता हाउ माँ महाप्रभु को दर्शन करने को पूर्व के खोजी खोजी की पाइली ना मुझे कालिया रे तोर ना निंदा हम मुझे लपाई तमे श्रीपंचमी दिन जो आसी से रथ काठ अनुकूल करने कौन दे रथ काठ से दिन अनुकूल ठाकुर को देख लाती हजे दल गला पीसा हाथ रु कड़े खसीगला केते वर्षर एई त 7 वर्ष रहितला हेई कोन से देखा जाउ जे तमे कहू जे केते वर्षर 7 वर्ष हां 7 वर्ष एई ले केते वर्ष होलै हां 8 वर्ष तमे
माने वर्षे तळर घटना ये सात वर्ष रो पिला सी पाखे जाय केमिति हयर ठाकुर ता कंठे रे बसिले ना गा सब कहला बापा ना कहला डाकिले पुलिस बाबू मुख को जाय कि नि जाय पुलिस भाई के धन्यवाद देलटी हम को जाय गेला आपन देखु छन त श्री मंदिर पुलिस केमिति सजाग केही जदि कोठे हजी जाउछंती ताले सीधा श्रीमंदिर पुलिस बा निकटस्थ जे कोनसी पुलिस कर्मचारी थिबे आपण सेमान को सहाय्य नहीं पारे से निश्चित भाव में साय करेंगे आनाउन्स करेंगे जमी आप शुणुंत आम अनुभूति चली मझे मझे गोटे गोटे कान में बाजुच्छी टिके टिके आपड़ शुणुंत ना निश्चित भाव आदि प्रथम कथा पिला हाथ के छाड़ू छोट पा नहीं जाऊँ मैंने अच्छा हाउ जगन्नाथ महाप्रभु को नहीं आपण जीवन काल भितर कौन अनुभव रही कह ठाकुर सब शुणती आ गोटे कथा शुणुना गोटे पुआ को बाहर करें आते खोजी खोजी पाने से इच्छा से कौन कौन कर हटिया नटपटिया जहाँ कर हटिया हट न कहती सब माया कर सब कर जय जगन्नाथ टीवी देख हाँ सब दिए सका सब आरती पूजा हुए सब बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ गोटे पुस्तक दर्शन पाई तोते छाड़ी मन रे दर्शन करना छाड़ी कौन जीव तुम दर्शन कर सारे सीना बोलिया कथ तुम आगुआ बोल आउर आसिक बोल मौसी मौसी कालिया को दर्शन करनी कौन छाड़ी जी मन पड़ून कौन कह चार तुम जा कहीं रही रही जाए कथा बाहर कहते गोटे घटसूत्र कार्यालय खोलवा तर ना कौन कहते मेम्बर के कार्यालय खोल जड़े मेम्बर कौन हम हाउ बहुत बहुत धन्यवाद माँ तमें रुह कालिया को छाड़नी कालिया पाखे रुह धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तेरे दर्शक बंधु बड़ा सुंदर भाव से मौसी महाप्रभु को दर्शन केतर कर सदा बेले अंतर कथा आसी कालिया तो दर्शन पाई तोते छाड़ी जावाक मो मन बढ़ुना कारण से सिंहद्वार को देखी दीचे आम सीना पचारदे पति तो पावन को दर्शन तो मिली ना तेणु से बढ़िया सुंदर कथाटी कहीदे तते छाड़ जावाक मन बढ़ुनि ये भावर कथा ये कालिया को जी थे दर्शन कर दिए से बास्तव में छाड़ी जावाक मन बढ़े तेणु कह भूल से बड़ा सुंदर भाव में कहले आसी कालिया तो दर्शन पाई रे तोते छाड़ जावाक मो मन बढ़ुना स्वागत करवा आज जे भक्त आम गहन अच्छा जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत ना कह कौटे आस कह टे बुझ ना किशोर सुंदर साहू कटकु आठ कटक रु बारंग्र कटक रु किशोर चंद्र साहू महाप्रभु को दर्शन करा जाउछन्थि आपण आज्ञा हाँ सब गुरु केबे दर्शन कर प्रति वर्ष आसी आ गुंडीचा के आसी प्रति वर्ष प्रथम थर जो वर्ष गुंडीचा आ 2018 मसीह रे माने मु भाबली गुंडीचा एते लोक लक्ष लोक लेके प्रभु को दर्शन कर रथ के टाणी मु सेठी भगवान रे प्रथम घर आइली ठाकुर पूजारी कहली प्रभु तुम रथ टाणी के तथ सका धाड़ी के रथ दौड़ी आर से आसिक मोर कीर्तन सकीन थे आसू से शून्य आसिक ये संकीर्तन सब लेकिन आसमें आपत जहाँ सब कहले आम आपण सहित कथन यारि सहित कथा ये कौन बारंबार खाली माइक्रोफोन टाक भिड़ला आउ चंग बड़ चंगड़ अच्छी सका पांचटा बाजे मैंने जगन्नाथ चैनल आग चल तीन दस चली जगन्नाथ भिड़ी पको ये जय जगन्नाथ कहले हाथ टेक जय जगन्नाथ कहीद जय जगन्नाथ कृष्ण जय जगन्नाथ कहीद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अच्छा आपण महाप्रभु को नहीं आपण जीवन काल भितर कौन रही अनुभूति अनुभूति प्रथम वर्ष जो संकीर्तन लेकिन आते लक्ष लोक भितर भाभी कि रथ टाणी बोली आग को सीद वर्षा ही होता लोक फांका लोक थे तीन रथ भू सब रथ दौड़ी टाणी भाई भाभी नी कभी टाणी बोली आ जगन्नाथ बढ़िया दर्शन कले रथजात्रा रथ पर बहुत भल लगे बहुत खुशी लगे दौड़ी टाणी ल कार जगन्नाथ नंदीघोष रथ नंदीघोष रथ देवदेल ताल तीन रथ टाणी लो तीन रथ कौट के बाट पर्यटन
प्रथम रात गुंडीचा मंदिर कहते थी प्रथम प्रथम रात आस गलु फास्ट बड़भद्र थी तापर आगे सुभद्रा आस बाहुड़ा दिन ना गुंडीचा गुंडीचा दिन आम से गुंडीचा मंदिर बाटे आस से अधवाट आसलु अधवाट फास्ट बलभद्र तापर सुभद्रा माँ आसी जगन्नाथ रथ जगन्नाथ रथ जगन्नाथ रथ से दिन बड़ संकत रही से आसी दर्शन कल रथ गति ठाकुर को बहुत बढ़िया दर्शन है ठाकुर भोग रही तो जगन्नाथ प्रेमी आपको देखुं कौन आप बार्ता देवाक चाहिए जय जगन्नाथ समस्त विश्वर मंगल करूँ समस्त दुखी दूर दुखी दूर करूँ समस्त मन मंसा पूरण करूँ जय जगन्नाथ टी देखती आज्ञा सबुदिन जय जगन्नाथ चैनल आम घर तो सदा भावमय भक्तिमय नमी आम जो घंट कंठशी जो गीत आए एनी टाइम चली थी मैं टी अन् सदा थी टी अन् सदा बेले था जगन्नाथ गोटे जय जगन्नाथ गोटे पुस्तक धन्यवाद जय जगन्नाथ तू नबू कि गोटे हाँ भारी खुशी रे हाउ हाउ आ गोटे नबू ने से धरी सारा नबू यटा सब नहीं जीव ये भल साइक रखा पिलाटे देखा जा बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ तेरे दर्शक बंधु बड़ सुंदर भाव में आप देखुले भक्त मानक अनुभूति के श्रवण करुले छोट आम गहन आउ जे भक्त अच्छा आसतु स्वागत करवा जय जगन्नाथ महाप्रभु मंगल करतु बाबा अमिताभ बच्चन सागे संगात बसी न तो मानगोविंद सेठी केन्द्रापड़ा राजनगर बंधपड़ा ग्राम रु गोविंद सेठी केन्द्रापड़ा राजनगर बंधनगर कौन बंधपड़ा ग्राम बंधपड़ा बढ़िया जगह टी राजनगर राजकनिका हाँ राजकनिका पर राजनगर हाँ बढ़िया जगह से पट लाइन भल जगह टे रास्ता भी भल चौड़ा है कि बढ़िया रास्ता आज्ञा 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 ठीक है राजनगर लोक पूरा एकदम रजा भाया उचा है कौन देखिए कैमेरा पाच तो मुंड कटूनी तो आम ना सब आपखिपर तो क्या आम जो फ्रेम हिसाब से देखला बेलू बड़ हाउ हाउ भगवान करते एमती आजिकाल सब कौन होने पे आम सब जो हाईस्कल पढ़ु ब्राट ब्राट टोका सब थे आपरे धीरे धीरे पीढ़ी देखा बेलू उच्चता छोट हो जाणीहबन यार पुह कौ क्लास पढ़ु आम भाव तो पंचम षष्ठ ना दशम अरे कौन दशम ये किए देखा एमती हुए अच्छा हाउ महाप्रभु को नहीं कौन रही जीवन काल भितर अनुभूति आज्ञा छोट बलू आज्ञा बहुत अनुभूति अच्छी किंतु से संपूर्ण संपूर्ण कह तो मो पाखे संभव नुह तथापि मुझे कह गोटे अनुभव कौच अनुभव किंतु से अनुभूति मुझे आज प्रकाश करवा जाऊँगी आज ये बड़ भाग्यवान जो मुझे ठिया पार्टी कितु ये मुझे प्रणाम करी कोटि कोटि नमस्कार देवी नमिता मैम एवं सीताराम बाबू को एवं शत सहस्र प्रणाम करी आपण को कहीं आप भक्ति घंतर जनसमुद्र जोड़ा देखुं भक्ति समुद्रर गंत गली भितर मानने तार जोड़ा गली कंदी मानने ओल्टे पाल्टे करबार जो चातुरता जो कौशल मत बहुत प्रभावित करन मन व्याकुल से किंतु आपण कहार जो शैली गोटे जदि गोटे जादूगर था कि बड़ हूँ ब्रह्मांडर गोटे जादूगर हूँ महाप्रभु किंतु आपण तलू गोटे देवता सागर छोट जादूगर बोली मुझे मो निजस्व इच्छा मुझे प्रकाश कर गोटे अनुभूति हूँ आज को मुझे श्रीकृष्ण को बेस डाके किंतु जगन्नाथ प्रति मोर सेमती ना कि परोक्षर जो जापारे श्रीकृष्ण हो जगन्नाथ अवतार तेणुक संपूर्ण भाव विश्वास है से प्रकृति अनुभव करुभूति कह जाए आसती मानने पक्ष 13 वर्ष कि 14 वर्ष पूर्व मोर ज्ञात अच्छी ज्ञात सारे एकुटिया एकुटिया आसती भगवान एमती माया मत डरी लगे नहीं आसे एकुटिया एकुटिया आसी 2 घंटा भितर ठाकुर पाखु जा दर्शन कली कि गोटे से संज्ञा द्वारा रत्न सिंहासन देखला बेलू तीन मूर्ति देखा जान मूर्ति संपूर्ण देखा कबाट एमती रही गोटे जगन्नाथ देखे सुभद्रा देखा बलभद्र देखे सुभद्रा देखा तीन मूर्ति संपूर्ण भाव देखा कि आखि विनम्र मिंजी मिंजी यात्रा चाहे भगवान को सुमरणा कर विकल हृदय कंठ से चाहिए प्रभु मत तीन मूर्ति संपूर्ण देखा कि कौन यही हिसाब से आम फेरी जीव कौन गोटे देखा दुईटा देखा जा गोटे देखा ये कौन संपूर्ण मूर्ति आम संपूर्ण आपणकर रूप को आम दर्शन करूँ किसा मिंजी मिंजी अवस्था देखिले कि तीन मूर्ति संपूर्ण भाव देखा कि तारतम्य तुच्छ भक्त टेपाई भगवान देते कि भूली पारे ना आउ गोटे
ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁଅଟିଏ ହେଉନଥିଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମରିଲା ବିଭାଘର ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପୁଅଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତ ମାୟା ସଂସାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଗାମାଗି ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରା ରହିଛି କାହିଁକିନା ସକାଳ ଯାତ କଲି ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନୁଭୂତି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ଭକ୍ତି ମାଗିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ମାଗିବା କଥା ନଥିଲା ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ଦେବ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ମାଗିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲି ଦୋହା କତରରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗାଁରେ ଭାଇଟି ଆମର ଖବର ଦେଲା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କହିଲା ଯାହା ପୁଅଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ସେଥିରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମୋର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭଗବାନ ଉପରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଧିକ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁ କିଏ କାହିଁକି ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଜି ମୋ ଥାଳିରେ ଦେଇଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୋହା କତରରେ ଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସାତ ମାସ ରହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିକେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧାରେ କାମଦାମ କରିକି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ସେ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା ଯେଉଁଟା ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇବେ ମାୟା କରି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନା ପଛର ପରକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯିବାକୁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଭିସା ମିଳୁନି ନା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭିସା ମିଳୁନଥିଲା କରୋନା ପରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲି ଯାଇଥିଲି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କରୋନା ପରେ ଆସିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଏଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ତେଣୁ ଉପରବାଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କରୁଛ ନା କରୁଛ ହିରୋ ହିରୋମାଟି ହିରୋ ଲଦିକି ନିଜ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର ମାନେ ମୁଁ ସିନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲି ଚାଷ କାମ ଯାହାର ମାନେ ଯିଏ ଚାଷ ମାନେ ଚାଷ କରେ ଯିଏ ରେ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ହଁ ତାଠାରୁ ସୁଖୀ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏରେ ଆଉ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଷ କାମଟି ଅତି ମାନେ ଚାଷ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ନ କରିବ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଚାଷ କରେ ଜିଏରେ କେଡ଼େ ସୁଖୀ ସିଏରେ ତାହାଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ସୁଖୀ ଆଉ କିଏରେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ଇଏ ପିଲାବେଳର କଥା ହଁ ଚାଷ କାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବାର୍ତ୍ତା ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଜନସମୁଦ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ନେହ ମମତା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତରେ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏକା ଏକା ଆସିକିରି ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ପୁରୀ ସହର ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୋବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା ବାସ୍ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ପୁରୀ ମନୁଆ ଠାକୁର ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣି ସେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିଯାଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଧରିନାହାନ୍ତିନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଉ ନା ବାସ୍ କଥା ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିଗଲା ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଯାହା ହଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଥରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲି 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଆ ଜେଜେମାଆକୁ ନେରିଗଲି ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମାଆକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁଘରେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟିଆ ସାନ୍ତ ମାଟି ଆମର ଆସିଥିଲା ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ଛୋଟେ ଛୋଟି ଚାଲି ଚାଲିଆ ଯାଏଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଲଜରେ ଆମେ ତ ରହିଗଲୁ କେଉଁଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲଜ ମିଳିଲା ତଥାପି ଆମେ ରହିଲୁ ସେ ଲଜରେ ରହିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ଲଜ ଯିଏ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟି ଲୋକଠୁ ମାନେ 80-85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଇଏ 22 ପାହାଚର ଯେଉଁ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ ଜାକ ଜକମରେ ପଶି ଯାଇପାରିବ ତ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଏକ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ କାଖରେ ଜାକିଲା ଭଳିଆ ଧରିକିରି ନେଇକରି ପଳେଇଗଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଇଦିନ ଗଲା ତାପର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାଇକିରି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲୁ କାଳେ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଳେ
କାଳେ ଆମେ ରହି ତ ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେବୁ ନିହାତି 10:30-11 ରାତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି 1:30 ବେଳେ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି? ଏପଟରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପରେ ଆମର ସେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମଠୁ କ'ଣ କେମିତି ଇଏ ପୁଣ୍ଡେଇରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ୍ଡେଇରେ ତୋ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତୋ ଧାମକୁ ଆସି ଟିକେ ଅବଢ଼ା ପାଇପାରିବୁନି, ଆଉ ତୋ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା ଟିକେ ମାଡ଼ି ପାରିବୁନି ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଟିକେ ଦୟାକରେ ଆମ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଆଉ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଥିଲା, ପୋଲିସ ମାନେ ସେ ଉତ୍ତର ଗେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ସବୁ କୋଡ଼ା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଜାରି ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଅନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକିଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ଆସ ଆସ ଏଇବାଟେ ପଳେଇଯାଉ, ସେଇ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ତୋର କି ଲୀଳା, ଏ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟି ଠାକୁର ମୋତେ ଶତ କୋଟି ଶତ ଶତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଟିଭି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ପଚାରିବାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେଉଁ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆତ୍ମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆଉ ଭଗବାନ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ଭଗବାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ କରିନି କ'ଣ ହେବ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ, ହଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ନା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆସି ନାହିଁ, ଆସିଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମନରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି। କାରଣ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଜାଗା ମାନେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠିକାର ଟଙ୍କାଟେ ଏଠିକା ରେଟ୍ରେ କେତେ ରହୁଛି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସେ ଦୁବାଇ ଦ୍ରାମ ହେଉଛି 22 ଟଙ୍କା, କେତେ ପଇସା ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଇଦ୍ରାମ। ହଁ ଇଦ୍ରାମ 22 ଅଛି ନା, ହଁ ଏବେ 18 ଏବେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, 18 ଆଗରୁ 17-18 ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଆମେ ଥିଲା ତାହେଲେ 21 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା'ର 22 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ବଢ଼ିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏମିତି କମ ବେଶୀ। ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁବାଇରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ଏଇଠି ବରଂ କିଛି ବିଜନେସ୍ ବେପାର କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକରି ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବ, ବରଂ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ସିନା ରହିପାରୁ, କିଛି ଯାନିଯାତ୍ରା ଧର୍ମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଟିକେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଏତିକି, ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ପଳେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଥରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ ଆସିଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯାହା କରିବ କରିବ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ, ରଖିଲେ ରଖିବ, କ'ଣ କରିବା, ତୋ ଧାମକୁ ତୁ ଏତି ମାରିଦେବୁ କ'ଣ, ନା କେବେ ସେ ମାରିବ ନା ମନ ଏଟା କର, ଡହଳ ବିକଳ କରିଥାଏ, କେତେ ବାଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ବସ୍ ଯାଉଛି ସିଧା। ଆଜି ପୁଣି ମନ ହେଲା, ପୁଣି ଘରେ ଜଣେଇଲି, ପୁଣି ଆସିଲି 4 ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଟିକେ ବସ୍ ଧରିକି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛି କାଲି ଟିକେ ରହିଯିବି, କ'ଣ କାଲି ଟିକେ ଯିବି, ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନି, ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହବି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ, ଆଉ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ହଁ ଭଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନମିତା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଭଜନ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥାଏ, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଭକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଥାଏ ଏମିତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦଟି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ମୋର ବେଶୀ ତ ମନେ ନାହିଁ, ତଥାପି କହୁଛି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କହିବି ମୋ ଧନ ଚମକିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି, ମୋ ଧନ ଚମକିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି, ଧନକୁ ଆଣଲ ଡାକି, ଧନକୁ ଆଣଲ ଡାକି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତୁମ ଉପରେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଧନ ଚମକିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି, ଧନକୁ ଆଣଲ ଡାକି, ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, କିଛି ମିକ୍ସ କରିକି ଆଜିକାଲିର କବିମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଧନ ଚମକିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରେ ଡରୁଆ ଠାକୁର, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡରୁଆ ଠାକୁର ମାନେ ହଁ ଅଭିନୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବଙ୍କା, ସବୁ ବଙ୍କା ଲୀଳା ତାଙ୍କର,
सीधा लीला सब बंका लीला माने डरिया अरे सारा जगत जहाँ को डाकुची जी कालर काल जी डर डर जी भयर भय सी पुणी कौन डर ए भगवान डरती ये मार संतान प्रति जो ममता सीए ताक डरा था जे मो पु डरे चीक उठब मो पु डर कला सूताटे बांधिदेवी ताको डौरियाटे बांधिदेवी ये भावधारा ये से बढ़िया पदटे कहीकि गले भक्त आमर ये भक्त कार्यक्रम जे कई भक्त हूँ सीधा प्रसारण मध्यम जहाँ कहले सीधा तेणु से मानकर जो मनर भावना को आम सदा बेले श्रवण करुचे भाव को मध्य आम दर्शन करुचे कौ भाई भाव से कौन कहते कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिंह द्वार एमित एक द्वार ये ब्रह्मचर्य द्वार ये द्वार पुणी आम किए से गाई लांज धरिकी पारि ही जाती कि आम सिंह लांज धरिकी ठिया कारण सिंह आँ प्रभु बड़े बलियार मत सिंह को ना डर तेणु ये महाप्रभु का आश्रित जो मैंने महाप्रभु को जो मैंने आश्रा करती नाव को गंगा नाव को महाप्रभु शुखला नदी में भी चल दिखती गंगा नाद मानने नावरे भी से सगर पारि कर दिखे कारण ये भवसागर ये संसार ये गोटे भवसागर सगर ठार आहरी घर को घोर बोली कोर कलिकले नराहा धर्म कर्म विवर्जिता वाल्मीकि रामायण पद ये घोर कलिकाल धर्म कर्म विवर्जित रही मनुष्य मैंने कौन हम तारि भितर थे मात्र जी जगन्नाथ को दर्शन करी जगन्नाथ नाम उच्चारण करी थांती से माने ये घोर कलिकाल तरी जाए तरी जावा अर्थ कौन आम निश्चित जन्म नहींचे खाइबा पीवा किसी दिन अतिक्रम करवा खटरे पड़ा पुणी आम पिला संभव आम आमर जीवा कहार कौन पर किसी पर कहते केते पुलिस गले से फांडी पड़ी केते भात गला से हाँ पड़ी हाँ सेमती केते मनीष गले से सृष्टि पड़ी हाँ महाप्रभु जो बड़े सृष्टि विलय करने को चाहिए बढ़िया कथा से गढ़ पुणी नुआ सृष्टि पुरातने दे बाजी साहा नाही रहा नाही सारी देला सरी गली दुख हरी तारी बोती नाही कह थल नाही कूल नाही खाली विपदर सु आमे माने विपदर सुरे भासुचे पहरुचे पहरी पारुने मध्य कूल किनारा पाउने तेणु ये जो भवसागर रु पारि हेबा पाई हेले ये भवसागर रु पारि हबा पाई हेले एकमात्र नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल तेणु सुंदर कथा से कौन बढ़िया कथा मन पड़गला आज भक्त मैंने आसी महाप्रभु प्रार्थना कर सरी गली दुख हरी तारि गोटे ना कूल ना खाली विपद जुआड़ी चाहिए छाड़ी विपद विपद आपण कोटिपति विपद कौन शांति ना अर्थ रोजगार बहुत शांति गंडे खाई कारण सब प्रकार रोजगार अच्छे पैसा तो अच्छे पैसा तार अर्थ पैसा किसी नुहे मूल नुहे आम पाखे पैसा अच्छी आम विराट गजदंत पलंग किणी ठीक अच्छे किंतु आम जो विश्राम नवा आमको निद हेन पैसा द्वारा कौन निद हो हाँ आप कहे आम औषध खाईद इंजेक्शन नहीं जावा शो पड़ा हेल्ले से असर सरीगला पुणी निद हेनी शरीर असुस्थ हम तेणु इटी कथा आसे कौन ना पैसा थी आप बही किणीपर कितु पाठ मन रखार जो दायित्व आप पाठ पढ़ सबू जिनस पैसा थी हो जाए जड़े लोक पाखे विराट बड़ गाड़ी अच्छे कितु कौन हम सबू अच्छी किंतु गाड़ी चलवाई तार हाथ ना कौन कर बाध्य ड्राइवर उपर भरोसा रख हठात कड़े गोटे जावाक बाहर शरीर असुस्थ अच्छी खोजुच्ची कि ड्राइवर कौन से कार्य ड्राइवर छुट्टी अच्छे
ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିବ ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯା ତା ମାନେ ଏଠି ପଇସାର କିଛି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପଇସାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା, ତେଣୁ କରି ସେ କ'ଣ କରେ କହେ, ସୁସମୟ ଦୁନିଆରେ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ଆଜି, ଏ ସୁସମୟ ଦୁନିଆ ଏଥିରେ ବିଷମରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ତେଣୁ ଗଢ଼ ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ପୁରାତନେ ଦେଇ ଭାଜି, ଏ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଢ଼, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ତେଣୁ ସାହା ନାହିଁ ରାହା ନାହିଁ, ସାରିଦେଲା ଆଖି ଲୁହ, ଏ ଆଖି ଲୁହ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସାହା ରାହା କିଛି ନଥାଏ, ଆଖି ଲୁହ ହିଁ ଆମକୁ ସାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସେ, କଳି ଯୁଗ ସମ ଯୁଗ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗ ଭଳି ଯୁଗ ନାହିଁ, ବଡ଼ା ଭାଗ ଯୋ ମାନୁଷ ତନ ପାବା, ମଣିଷ ଶରୀର ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁ ଅଗାଡ଼ି, ହରି ଭଜନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ହରି ଭଜନର କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଶୀ ଜୀବନ ମେ ତୁ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ଆଗ ଲଗେ, ଯିଶୀ ମେ ତେରି ସୁରତ ନା ହୁଏ ସେ ମନକୁ ଆଗ ଲଗେ, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଦେଖିଦେବେ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଶୀ ଜୀବନ ମେ ତୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଜୀବନକୁ ଆଗ ଲଗେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଖ, ନୟନ ନି ସନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଦେଖା ଲୋଚନ ମୋର ପଙ୍କର ଲେଖା, ସନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯଦି ଆଖି ତରସିବନି ତାହେଲେ ଆଖି ମୟୂର ଆଖି ପୁଚ୍ଛର ଆଖି ସହିତ ସମାନ, ଜିସମେ ତେରି ସୁରତ ନା ହୋ ଏସେ ମନକୁ ଆଗ ଲଗେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରତ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବ ସେ ମନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ହାଏ ହାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।